Can I become actor? Why not? Mama, but मैं किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हूँ. किसने कहा आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हो? और वैसे भी जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमारी आवाज खुद से क्लियर हो जाती है. ठीक है लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप वही बनोगी जो आप बनना चाहती हो और मैं आपके साथ हूँ. थैंक यू काश ये बात मैं राहुल को उस दिन समझा पाती तो आज वो हमारे साथ होता. मेरा नाम रूही है पर ये कहानी मेरी नहीं, मेरे मासूम भाई राहुल की है. राहुल की जिंदगी भी आम लोगों जैसी ही थी. उसके भी दोस्त थे जिनके साथ वो हंसता था, गाता था, मुस्कुराता था, खुश रहता था. एक और वजह थी उसके खुश रहने की, उसका प्यार, जानवी. जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था. फैमिली और मेरे अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट था ना उसकी लाइफ में, वो थी जानवी. हमारे लिए तो जानवी बस एक खूबसूरत लड़की थी पर राहुल की नजरों से देखो तो जैसे वो उसकी जिंदगी थी. कहने को तो 8 अरब वाली दुनिया है पर राहुल से कोई पूछे उसकी दुनिया तो कहता था जानवी. उसके कुछ सपने भी थे जिनको वो जीना चाहता था, जिंदगी में कुछ बनना चाहता था. और ये सपने पूरे भी हो जाते हैं.
मां पापा ने उसका साथ दिया होता। वो उसके कॉलेज का आखिरी दिन था जब राहुल और उसके सारे दोस्त आखिरी बार एक साथ बैठकर अपने कुछ खूबसूरत सपनों के बारे में बात कर रहे थे। यार मैंने तो सोच लिया है सीएटी की प्रिपरेशन शुरू करनी है, उसके बाद इंजीनियरिंग करूंगी, फिर सीधा फ्लाइट टू यूएस, अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी। बड़ी आई फ्लाई करने वाली, आज बस की टिकट के लिए तो मेरे से ही उधार लेती है, तू फ्लाई करेगी? अबे तेरी तो चल दे। अरे वो देख राहुल भी आ गया। और मेरे यारो यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। अच्छी बात है। हे राहुल, यूएस उड़ रही है, तू बता तेरा क्या प्लान है? यार तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरा क्या प्लान है, मुझे तो शेफ बनना है, जगह जगह घूमना है, अलग अलग रेसिपीज ट्राई करनी है, उस जगह का स्वाद अपने हाथों में लेना है और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है। तुम दोनों आओगे ना मेरे रेस्टोरेंट में? अरे वो क्या, हम सारे आएंगे, बट हाँ हमेशा की तरह बिल तू ही पे करेगा। वो तो मैं कर ही दूंगा। चलो चलते हैं। इतना जोर किस बात का है? पापा वो मैं पास हो गया, पूरे 90% मार्क आए हैं मेरे। चलो अच्छा हुआ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, तुम्हें कल सुबह मेरे साथ ऑफिस जाना है। पापा वो मैं पढ़ क्या, कल सुबह 8:30 बजे तैयार है ना, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे उठ जा, 8:30 बज गए, तेरे पापा रेडी हो गए। उठ जा। माँ उठ गया। ये कोई टाइम है आने का? मैंने तुम्हें कहा था 8:30 बजे हम ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, आप राजकुमारों की तरह अभी आ रहे हो? डैडी वो मैं सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। डैडी नो नेक्स्ट टाइम राहुल, अगर लाइफ में कुछ बनना है तो समय की कदर करना सीखो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने से तुम्हें लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्या कह रहे हो आप, कम से कम उसे ठीक से नाश्ता तो करने दीजिए। अरे तुम्हारे लाड ने इसे बिगाड़ रखा है, पता नहीं ये लाइफ में क्या करेगा। ओम, राहुल आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं, इसे अकाउंट्स और बाकी सब काम समझा दो। ओके सर। Thank you.
राहुल सर आपका लेटर। मुझे कौन लेटर देगा यार? ये क्या है राहुल? मैंने एक होटल में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन? माय गॉड, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, भूल जाओ कि ऐसा कोई लेटर तुम्हें आया है। तुम सेफ वगैरह बिल्कुल नहीं बनोगे, वरना तुम्हारी लाइफ भी। इस पेपर की तरह टुकड़े टुकड़े में होके बिखर जाएगी। क्या हुआ जानवी, इतने अर्जेंटली फोन किया था? सब ठीक तो है? तुमसे कुछ बात करनी थी। वो मेरे शादी की बात चल रही है घर पे। सुन भी रहे हो? कहूं क्या मैं पापा से कि तुम क्या कर रहे हो और कैसे रुकाऊं शादी की बात? ना तुम उनका बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, ना तुम अपने सपनों के बारे में उनसे बात कर पा रहे हो। रेस्टोरेंट खोला था ना तुम्हें? जो लड़का अपने माँ बाप से इतना घबराता है अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए, वो क्या ही मेरे लिए खड़ा होगा। जानवी। क्या जानवी? क्या राहुल, प्यार ना अपनी जगह होता है और जिंदगी अपनी जगह। मुझे मेरा करियर सेट करना है, लाइफ बनानी है। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो इतना स्ट्रगल कर रहा हो? जानवी, मुझे लगा था कम से कम तुम तो मेरा साथ दोगे। मेरा साथ यही तक था राहुल, मुझे एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए यार। मैं ऐसे स्ट्रगल नहीं करते बैठ सकती तुम्हारी तरह। इट्स ओवर राहुल, आई एम सॉरी। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। जानवी, क्या हुआ? राहुल, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ राहुल? उठ, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? पानी राहुल, हुआ क्या है? बताएगा कुछ? अबे पागल है तू, तूने जाने क्यों दिया उसे? हाँ यार राहुल, कब तक मन की बातें तू लोगों से नहीं बताएगा? कब तक मन ही मन में घुटता रहेगा? राहुल,
मैंने तुझे सपने सजाते हुए देखा है या उन्हीं सपनों को दूसरे के लिए कुर्बान करते हुए देखा है? तू खुद के लिए कब जिएगा? तेरे मरने के बाद? क्या लगता है तुम लोगों को, मैं जीना नहीं चाहता। इस तरीके से घुटके जीना मुझे अच्छा लगता है। मैं भी तुम दोनों की तरह जीना चाहता हूं, अपने सपने से जाना चाहता हूं। तुम अपने सपनों के लिए कर ही क्या रहे हो? क्या किया है तुमने अभी तक अपने सपनों के लिए? क्या किया है? ये देख, ये उस होटल का कॉल लेटर था जहां पे बड़े से बड़े शेफ काम करना चाहते हैं, है ना? तुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि तेरे दोस्त का वहां पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मेरे पापा ने मेरे सपनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए यार। मेरे मुंह पे मारा ये। बस हो गया, चल तू आज ही तेरे पापा से बात करते हैं। चल तू। राहुल, क्यों किया तूने? अब मैंने क्या किया पापा? क्यों किया तूने? मैंने सोचा था तू मेरा बिजनेस में मेरा साथ देगा, इतना पढ़ाया लिखाया, सारा पैसा बर्बाद हो गया। अरे मैंने किया क्या है? मंद बुद्धि है। तो दस साल का बच्चा भी तुझसे ज्यादा होशियार होता है। आम का खाना है और मेरा बिजनेस डूबना है। बट मैंने किया क्या है? अरे तेरे कारण मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया। कितनी मेहनत की थी मैं वो प्रोजेक्ट लेने के लिए, आपके नोट के तारे सुनकर। अरे नहीं समझ में आता मुझे आपके सेल्स एंड अकाउंट मार्केटिंग। मेरे को सपने है पापा, मैं शेफ बनना चाहता हूँ, अपने सपने जीना चाहता हूँ पापा। मुझे मेरा सपना जीने दीजिए प्लीज। शेफ, देख रही हो ये क्या बोल रहा है? इसे मैं अपने करोड़ों का बिजनेस सौंपना चाहता हूँ और ये बावर्ची बनना चाहता है। बावर्ची बनना चाहता तो क्या हुआ पापा, उसमें मैं खुश रहूंगा। समझ में क्यों नहीं आता है पापा तेरे भले के लिए बोल रहे हैं? माँ आप क्यों नहीं समझते, ये मेरा सपना है पापा। क्या समझूं मैं, क्या समझूं, इसलिए तुझे बड़ा किया हमने ये दिन देखने के लिए। प्रॉब्लम क्या है माँ? बड़े से बड़े लोग आजकल शेफ बनते हैं, संजीव कपूर, रणवीर बरात, न जाने कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं। मुझे भी तो अपने से नीचे निकाल के माँ, आप भी तो उनके शो देखती हैं, तो आप क्यों मेरा साथ ही दे रहे माँ, क्यों? पर राहुल तू समझता क्यों नहीं? राहुल माँ आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं मानना चाहता अपने आप को इन बेफिजूल फाइलों में, ऑफिस के 9 to 6 वाले जॉब में, ना मैं टैग की तरह ऑफिस में बैठकर टेंडर और प्रोजेक्ट के पीछे भागना चाहता हूं। बदतमीज, ये है हमारा बेटा साला बावर्ची, चूतिया कहीं का रहा कौन? माँ क्या कर रहे हो आप? तुम हटो यहां से। रूम से बाहर निकला तो टांगे तोड़ देंगे। माँ माँ दरवाजा खोलो, माँ माँ प्लीज, माँ
माँ प्लीज माँ खोले ना दरवाजा माँ माँ जैसे ही घर पर आया चाबी तो मेरा प्यार तेरा दे, उसे तो मेरा साथ तेरा चाहिए दादा, साथ छोड़ दिया थे, मैं क्या करूं? राहुल, राहुल तू घबरा मत, मैं आ रही हूँ, मैं जानवी से भी बात करूंगी, मैं पापा से भी बात करूंगी, हाँ कल आती हूँ मैं, प्लीज सुन रहा है ना राहुल, राहुल, राहुल तू सुन रहा है? सुन भी तो राहुल थे। सुने तो दाद अब और नहीं दे, अब और नहीं, बाप ने एम्पायर खड़ा किया है और बेटा दुबाने पे तुला हुआ है। तेरी वजह से मुझे टेंडर नहीं मिला, तूने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया।
बदतमीज। पापा
हर बच्चे की अपनी अपनी यात्रा होती है। माँ बाप का साथ और दुआएं उस यात्रा को आसान बनाती है। बाकी उसे खुद करने दीजिए, उसे उसका भाग्य खुद लिखने दीजिए। कितना जानते थे आप राहुल के बारे में? आपको पता है, आपसे ज्यादा ये दो दोस्त ज्यादा जानते थे। और आपने आपने क्या किया? निकम्मा है, गधा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। बोल के बोल के बोल के उसे भी विश्वास दिला दिया कि ही इज फेलियर। अमृता, तुम यूएस जा रही हो ना, तुम तो मिडिल क्लास हो, तो कैसे तैयारी की जाने की? मेरे पापा ने मेरे सपनों के लिए अपनी दुकान पर गिरवी रख दी और कहा कि बेटा तेरे लिए ये दुकान तो क्या, मेरा सब कुछ गिरवी रख दूंगा। मम्मा डोंट क्राई। सुन बेटा, तू लाइफ में जो भी बनना चाहे बनना, तू जो करना चाहेगी मैं तेरे साथ हूँ बेटा। मेरे लिए नेम फेम कुछ मायने नहीं रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो आपकी खुशी, आप जो करना चाहोगी मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। कभी ना मुझसे डर कर या मुझे बुरा लगेगा ये सोचकर कॉम्प्रोमाइज मत करना बच्चा। मेरे लिए ना सिर्फ इतना काफी है कि आप एक अच्छी इंसान बनो। आप किसी के साथ धोखा न करना, आप किसी का बुरा न करना। बाकी आप जो करो, आप सही हो आप गलत हो, मैं आपके साथ हूँ। आप जो बनना चाहते हो बनना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। नमस्ते, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, कई बच्चों की है जो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का साथ दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाएं, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारी मेहनत को सराहिए। थैंक यू।